राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और आईटी का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रखी है। प्रधानमंत्री खुद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। विपक्षी नेताओं को धमकी दी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की अंतर्कलह पर कटाक्ष करते हुए इसकी तुलना रियलिटी शो बिग बॉस से की। उन्होंने कहा यह पार्टी अगले कुछ सालों में डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी। उत्तराखंड के गौचर में रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया। शिरोमणि अकाली दल आज लोकसभा की कम से कम 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। इनमें बठिंडा, संगरूर, आनंदपुर साहिब, पटियाला और अमृतसर सीटें शामिल हैं। टीएमसी से बर्खास्त नेता शेख शाहजहां को ईडी हिरासत खत्म हो रही है। आज शाहजहां को कोलकाता में पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। शाहजहां शेख को लेकर ईडी कोर्ट में पूछताछ के लिए अवधि बढ़ाने की दलील पेश करेगा। शाहजहां से पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के राशन वितरण मामले में उसकी संलिप्तता समेत मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कई मामलों में पूछताछ चल रही है। केंद्रीय सूचना आयोग ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा। सीआईसी ने चुनाव आयोग पर कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए जवाब मांगा। दरअसल मामले को लेकर एक आरटीआई लगाई गई थी। आयोग ने 30 दिन बीत जाने के बाद भी इस आरटीआई का जवाब नहीं दिया। सीनियर अधिकारियों ने पहली अपील भी नहीं सुनी, जिस पर सीआईसी ने नाराजगी जाहिर की। दिल्ली शराब घोटाले मामले में बीआरएस नेता के कविता की बड़ी मुश्किलें। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन सीबीआई कस्टडी को दी मंजूरी। 15 अप्रैल तक के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा। अयोध्या में रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक करेंगे। वैज्ञानिकों ने इसका सफल परीक्षण कर लिया है। रामनवमी के दिन भगवान के ललाट की शोभा सूर्य देव बढ़ाएंगे। राम जन्मोत्सव के मौके पर लगभग 4 मिनट तक रामलला सूर्यदेव तिलक करेंगे। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को ये नाम भगवान कार्तिकेय से मिला। इस रूप में मां ममताई स्वरूप भक्तों को दर्शन देती हैं। संतान की कामना करने वालों को विशेष रूप से मां के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए।